पालमपुर के परौर में घटित नाबालिग गैंगरेप मामले में छानबीन में फरार तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला है और जल्द ही कोर्ट के आदेशों पर नाबालिग पीड़िता से आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। ये बात एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल ने पालमपुर में कही। उन्होंने कहा कि रिमांड में ये सामने आया है कि आरोपी युवा कई जगह घूमते रहे। इंडो नेपाल बॉर्डर पर युवाओं ने नेपाल में प्रवेश की योजना तक बनाई, जिससे पहले ही वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उन्होंने बताया कि पुलिस को घटनास्थल से जुटे साक्ष्यों का अभी फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि तीनों का 11 मई तक पुलिस रिमांड है, जिसमें कई बातें सामने आ सकती हैं। एसपी ने कहा कि नाबालिग दुष्कर्म घटना के 5 आरोपी, जिनमें से भागे 3 आरोपियों को शरण देने वाले आरोपी भी पुलिस की हिरासत में है, सबसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। एसपी ने आह्वान किया कि अगर इससे पहले आरोपी इस प्रकार की घटनाओं में शामिल रहे हैं तो जांच अवश्य की जाएगी, और लोगों से आग्रह किया कि अगर किसी भी लड़की महिला के साथ गढ़ क्षेत्र में इस तरह की छेड़छाड़ की घटना हुई है तो पुलिस को सूचित करे, पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। आज आपने आरोपियों से इंटरोगेशन की है, क्या उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है क्या? हाँ, इन लोगों ने जो अपना उनके द्वारा जो किया गया कृत्य है उसके बारे में उन्होंने बताया है, और ये 11 तक पुलिस रिमांड में है, और उसके बाद इनका बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी, वो उसमें जितने लोग अरेस्ट होने थे 5 अक्यूज से अरेस्ट हो चुके हैं सारे के सारे, और छठा जो इनका जो इनको शरण देने वाला व्यक्ति वो भी अरेस्ट हो चुका है, तो 6 के 6 व्यक्ति जो इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। 5 जो गैंगरेप के अक्यूज हैं, छठा व्यक्ति जिसने इनको शरण दी। कितने लोग रेप करने में इन्वॉल्व रहे? देखिए, प्रीमेच्योर है चीजें, मतलब इन्वेस्टिगेशन का इससे इफेक्ट पड़ेगा, तो लेकिन जब गैंग रेप वर्ड आ गया तो इट मीन्स उसमें फिर कलेक्टिव ही एक्ट हो, कलेक्टिव एक्ट हो जाता है, तो किसका कितना रोल है वो तो इससे पे हम नहीं डाइवर्ज करेंगे, लेकिन जब कोई कॉमन इंटेंशन से कोई काम किया जाता है तो हर व्यक्ति का रोल जो है वो फिर उसी हिसाब से फिक्स हो जाता है। नेपाल सीमा पार कर गए थे ये लोग, ये कई जगह घूमते रहे हैं, यहाँ से कपूरथला चले गए, उसके बाद ये हरिद्वार ऋषिकेश चले गए, उसके बाद ये इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास घूमते रहे, उसके बाद अल्टीमेटली गोरखपुर थे, अल्टीमेटली पकड़े गए। सर, कल स्पॉट इंस्पेक्शन की थी, इन लोगों को भी ले गए थे, और उससे पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां पे गए थे, तो ये जो तथ्य सामने आए हैं कल के स्पॉट इंस्पेक्शन में या फॉरेंसिक उसमें, ये मैच कर रहे हैं पुलिस के? अभी फॉरेंसिक जो साइंस की हमारी टीम है उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, उसका समय लगता है, उसका बायोकेमिकल एनालिसिस उसका होता है, तो अभी उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं पहुंची है। अच्छा, गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि ये पहले कुछ घटनाओं में शामिल रहे हैं, और शायद पुलिस टीम आ गई थी, उनको कुछ लोगों ने बताया भी कि लड़की थी वो भी इसी की वजह से डेथ हुई है उसकी, तो उस मामले को लेकर पुलिस छानबीन करेगी? अगर ये पहले ऐसे इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व है उस एंगल को हम जरूर देखेंगे, हम नहीं चाहते कि इस तरह की घटनाएं कहीं भी हों। अगर इस मामले में किसी की कोई शिकायत अगर स्पेसिफिक भी हो, सपोज कर अभी ये कुछ बोल भी देते हैं लेकिन अगर कोई आदमी शिकायत करने आगे नहीं आता है तो उसका पर्पज ज्यादा नहीं सॉल्व होगा। अभी उनको इस एंगल से इंटरोगेट करेंगे हम कि पहले कहीं उन्होंने किसी बच्ची से या महिला से वहां या किसी व्यक्ति से कोई बदतमीजी या कोई और काम तो नहीं किया है, उस एंगल को देखा जाएगा। और उसके साथ आपके थ्रू हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई ऐसी कोई बच्ची है या महिला है जो इनके द्वारा पहले कभी ऐसा हुआ हो तो आगे आए, तो उसमें वो है ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर, इनके मोबाइल मिल गए सारे? इनके मोबाइल थे, इनके मोबाइल इन्होंने बेच दिए थे, वो हम रिकवर करके अब ला रहे हैं सारी चीजें। शिनाख्त कब तक करवाएंगे? अब कोर्ट के मैं रिक्वेस्ट करेंगे, तो जैसे कोर्ट हमें डेट देगा उसे ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं। अब बहुत सी जगह से बहुत सी लड़कियों के अब फोन आ रहे हैं कि जगह हमें वहाँ छेड़छाड़ की, मतलब करते हैं लोग, की नहीं करते हैं जी, वहाँ पे होता है, वहाँ पे होता है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज जरूर स्ट्रेस करना चाहूंगा कि किसी समस्या का समाधान ना उसको दबाना नहीं होता है। मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से, बच्चियों से, महिलाओं से, अगर उनके साथ ऐसी कोई इंसिडेंट हो, छेड़छाड़ की हो या किसी और तरह की हो, तो हमें फ्रीली रिपोर्ट करें।
आई विल नॉट माइंड रजिस्टरिंग मोर केसेस. अभी तो हमें लगेगा कि केसेस तो ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हमें इससे बहुत फायदा है, इन द सेंस कि जितने ज्यादा अगर इंसिडेंट हुए हैं, अगर कोई बाई द वे केवल बच्ची हैं, लड़कियां महिलाएं इसको बताती नहीं है शर्म के मारे, डर के मारे, किसी सोशल प्रेशर के कारण, तो फिर ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते चले जाते हैं और ये बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं. अगर हम रिपोर्टिंग करेंगे, बच्चियां महिलाएं रिपोर्ट करेंगी, तो इसमें केसेस होंगे तो ये लोग जेल जाएंगे, पुलिस के हवालात में जाएंगे, उससे फिर अंकुश लगता है चीजों पे, बजाय कि दबाने से. अगर दबा के रखते हैं, नहीं बताएं, रिपोर्टिंग ना करें, तो इनके हौसले और बढ़ जाते हैं, फिर बड़ी वारदातों का अंजाम देते हैं. अगर ऐसी कोई इंसिडेंट हो, हमें फ्रीली रिपोर्ट करें, हम लोग उसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करेंगे. वहां उस इलाके में बहुत इंसिडेंट हुए, मारपीट जो भी था, तो उसी लड़ी है नहीं, गश्त तो हम बढ़ा देंगे. बाकी पुलिस पोस्ट का क्योंकि लंबा प्रोसीजर है, लेकिन अब क्योंकि वहां का हमें ऐसा रिपोर्टिंग आ चुकी है कि वहां इंसिडेंट हुआ है, तो इस पे नेचुरली इस पे गश्त तो हमारी जाएगी और बाकी चीजें बाद में एग्जामिन करते हैं. तो